खिलाड़ी और टीमों को लेकर अक्सर फेक खबरें आती रहती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ तीन ऐसे मौके जब खिलाड़ियों की डेथ की फेक खबरें वायरल हुई। नंबर एक, सनत जयसूर्या। 20 मई 2019 को ये खबर आती है, कनाडा में एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है, जिसको लेकर बहुत सारे सेलिब्रिटी भी यहाँ पर दंग रह गए। हालांकि बाद में दोस्तों सनत ने खुद क्लैरिफाई किया कि भैया मैं श्रीलंका में हूँ, मैं कनाडा हाल फिलहाल में गया नहीं हूँ और ये खबर पूरी तरीके से फेक है। और तो हर दोस्तों 2019 में लगभग यही सेम थ्योरी से सुरेश रैना के बारे में भी घटनाएं बताई गई कि कार एक्सीडेंट में उनकी दुर्घटना हो गई है। हालांकि दोस्तों बाद में इससे सुरेश रैना काफी नजर आए और उन्होंने बोला कि इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। और नंबर तीन पर आते हैं, जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हीथ स्ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है कि ये कैंसर से सफर कर रहे हैं और इनका साउथ अफ्रीका में हाल फिलहाल में इलाज भी चल रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में रिपोर्ट्स ने ये कहा कि इनकी डेथ हो चुकी है। और सबसे आयरनी वाली बात यह है कि जिस बंदे ने ये खबर फैलाई कि इनकी डेथ हो गई है, बाद में उसी ने क्लैरिफाई किया कि जस्ट उनकी उनसे बात हुई है और ऐसा कुछ नहीं है और इनका नाम था हेनरी ओलोंग। तो भैया हेनरी साहब ने खुद ही अफवाह फैलाई, फिर खुद ही क्लैरिफाई किया कि नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और रिकवर हो रहे हैं।